हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपियन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आईयूपीएससी ऑफ जनरल जनरल जितनी भी छोटी छोटी बातें थे वो डिस्कस किया था हमने, और हमने ढेर सारी प्रैक्टिस भी कर ली। और मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स लिख रखे हैं। ये आंसर्स जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने डीपीपी दी थी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्व करने के लिए, ये उसके आंसर्स हैं। पहले आप मैच करा लीजिएगा। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में उसको आपको अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और आज हम सीखेंगे, पहले कुछ दो तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी और एल्कीन और एल्काइन की। किसकी बात करेंगे? एल्कीन और एल्काइन की। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना काफी है, बस आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर तुमको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर यहाँ पे तुम्हारा एज अ ग्रुप मिलता है, ये क्या मिलता है? अगर एज अ ग्रुप मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो मिथाइल। और इन केस अगर मान लो ऐसा होता है CH2Br, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? लगा है ब्रोमो, तो क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमो मिथाइल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कॉमा लगा के लिख लो CH2I, तो इसका नाम हो जाएगा आइडो मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइडो मिथाइल। यहाँ पे मैंने जैसे बताया, अगर CH2Cl है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मिथाइल, CH2Br है तो ब्रोमो मिथाइल, CH2I तो आइडो मिथाइल। तो इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें सॉल्व करना होगा इस तरीके के क्वेश्चन को। और यहाँ मैं दे दूँ CH2Cl, यहाँ पे CH2 ले लो तुम ब्रोमीन। तो देखो, दो बात जो मैंने बताई थी आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला हमें क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चैन देखनी है। उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि जिधर ग्रुप पास पड़े उधर से नंबरिंग। तो देखो, अगर मैं लॉन्गेस्ट चैन तो यहीं से होगी, ये 1 2 3 4 5 6 सबसे लॉन्गेस्ट चैन मुझे यही दिख रही है, तो ये हमारी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चैन। अब नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। अब आप सोचोगे सर इधर भी सॉरी आप सोचोगे आपके इधर भी जा सकते हैं 4, और इधर भी जा सकते हैं, तो किधर जाना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, किसको प्रेफर करना है? लॉन्गेस्ट चैन। लॉन्गेस्ट चैन हमेशा मुझे किधर मिल रही? इधर मिल रही, 4 5 6। तो अब इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मैंने बता दिया क्लोरोमिथाइल बोलते हैं, और 1 पे ब्रोमो लगा, यहाँ ग्रुप लगा, तो इसकी आईयूपीएसी नेम सिंपल हो जाएगी। आप ऐसे लिखो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो कॉमा 3 पे क्या लगा है? क्लोरोमिथाइल ग्रुप लगा है, तो 3 क्लोरो मिथाइल। टोटल कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सेन यूज करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लो, CH3CH2, यहाँ पे लगा लो Cl, यहाँ पे लगा लो Cl, और यहाँ CH2Br, यहाँ पे लगा लो CH2Br। तो देखो, सबसे पहले क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अब देखो, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, और लॉन्गेस्ट चेन इधर से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7। नीचे तो जाएंगे तो हमारा कम पड़ जाएगा कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, तो नीचे तो हम नहीं जाएंगे। तो अब बात करते हैं किधर किधर हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, क्योंकि 2 पे यहाँ क्लोरो लगा है, यहाँ पे 1 पे ब्रोमो लगा है, तो नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ग्रुप पास पड़ रहा है। तो 3 4 5 6 7, 6 पे ये ग्रुप लगा है, 4 पे CH2Br लगा है, 1 पे ब्रोमो लगा, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसा बताया बस उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो लगा है, तो 1 ब्रोमो कॉमा लगाना है। 6 पे क्या लगा है? क्लोरो लगा है। अब देखो, 6 पे क्लोरो लगा है, 4 पे क्या लगा है? ब्रोमो मिथाइल। तो क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 4, इसको बना लो 4 ब्रोमो मिथाइल कॉमा लगाना है। 6 पे क्या लगा है? क्लोरो, तो 6 क्लोरो
कितने कार्बन की चैन है टोटल? सात कार्बन चैन। सात कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? हेप्टेन। क्या यूज करते हैं? हेप्टेन। अब देखो इतना हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट भी होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। अब छोटी छोटी और बातें सीखते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आईयूपीएसी ऑफ एल्केन्स पे। देखो अगर कहीं तुमको ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन से डरना नहीं है। पता है ये क्या है? यहाँ पे ये एक कार्बन है, यहाँ पे ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पे एक तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठा कार्बन है, सेवंथ है, ये एट कार्बन है। यहाँ ये जो लगा है ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये तो है ही है। अब देखो मुझे क्योंकि पता है एक कार्बन चार वैलेंसी बनाता है, तो ये कार्बन एक इधर जुड़ा ही है, तीन यहाँ पे क्या होंगे? अगर जब कुछ नहीं लिखा होता तो हमें अंडरस्टूड पता है कि वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे क्योंकि दो वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, वन इधर से बॉन्ड बना, एक इधर से, तो दो हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ भी दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? तीन होंगे। कितने होंगे? तीन होंगे। यहाँ भी तीन होंगे, तीन होंगे, तीन होंगे, यहाँ भी तीन होंगे। तो इन तरीके के क्वेश्चन से डरना नहीं। एक्चुअल में मैं बताऊँ ये क्या लिखा है, ये लिखा है CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH3। देखना है क्या, यहाँ पे तीन वैलेंसी खाली थी, मतलब लास्ट के टर्मिनल कार्बन है, तो एक एक बॉन्ड से जुड़ा है, तो 100% हमें पता है इसका जो तीन वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। तो ऐसे तुरंत अपने से इसको बना लो, या तो अंडरस्टूड होते। तो ये लिखा CH3, ये लिखा यहाँ दो वैलेंसी खाली है, तो CH2, ये क्या है, तीन बॉन्ड बना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ही जुड़ा होगा, तो ये होगा CH, जैसा मैंने यहाँ लिखा CH, ये CH2, ये CH, ये CH2, ये CH2, ये CH3, तो सेम ऐसा लिखा। तो इसकी आईयूपीएसी में कुछ डरना नहीं, जैसे इसकी आईयूपीएसी अभी तक हम कर रहे थे सेम उसी तरीके से होगी। लॉन्गेस्ट चैन देखनी, लॉन्गेस्ट चैन इधर यहाँ से काउंट करोगे यहाँ तक जाएगी, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से क्यों नहीं हुई? क्योंकि इधर से करता तो 1 2 3 4 पे ग्रुप पड़ते, इधर से 3 पे ही ग्रुप पड़ जा रहा है, तो मुझे नंबरिंग उधर से करनी, इधर से ग्रुप पास पड़ रहा, तो 3 पे मिथाइल लगा है, 5 पे मिथाइल लगा, तो (3, 5) डाइमिथाइल। डाइमिथाइल कितने कार्बन के चेन? 8। तो ऑक्टेन। क्या? ऑक्टेन करना है। तो डरना नहीं है, ये उसी का एक फॉर्म है। अब इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चंस करेंगे बिना डरे हुए, बिना डरे हुए आपको ये अगला क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया है आपको, आपके इसको आईयूपीएसी बतानी, आईयूपीएसी। तो डरना नहीं, देखो ये CH3 है, ये CH2, ये CH है, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH3। टर्मिनल मतलब यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है, तो तीन हाइड्रोजन होंगे, तो तीन हाइड्रोजन बोले तो यहाँ पे CH3 रहा होगा। अब देखो नंबरिंग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लो, यही लॉन्गेस्ट चेन मुझे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट करूँ। अब देखो इधर से भी नंबरिंग हो सकती है, इधर से भी, इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, और ये पूरा क्या बन जाएगा ग्रुप, तो 4 5 6 7। अब देखो 3 के अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन ये रहा होगा, एक कार्बन ये रहा होगा, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथाइल, तो 3 एथाइल, 3 एथाइल, कितने कार्बन के चेन है, 7, तो क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या है ये भी देख लो, ये लिखा है CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये CH3। तो मैंने कहाँ से नंबरिंग की, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये CH3 था, ये नहीं था, सात ही कार्बन थे ना। तो क्या लगा है? देखो नंबरिंग की, यहाँ से 3 पे थाइल पड़ रहा था, 7 कार्बन की चैन, तो ये हो गया हेप्टेन। ठीक, डरना नहीं है, बस देखते जाना है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपसे गलती हो सकती है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी उस क्वेश्चन पे, गलती नहीं करनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है कार्बन, यहाँ से C2H5 जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है, C2H5, C2H5,
तो इसकी आपको आईयूपीएसी बतानी है, तो डरना नहीं है। देखो इसको जब ऐसे ना समझ में ना, तो इसको खोल के लिख लो, तुम क्या लिख लो, इसको ओपन करके लिख लो। तो एक कार्बन C2H5 को कैसे लिखेंगे, CH2 CH3, ये C2H5 को भी खोल के लिख लो CH2 CH3, यहां भी ऐसे कर लो CH2 CH3, यहां भी ऐसे कर लो CH2 CH3। ठीक, तो अब देखो नंबरिंग मुझे लॉन्गेस्ट चेन अगर यहां से करो 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो, 5 कार्बन से ज्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ कोई ग्रुप तो पढ़ नहीं रहा है अभी। तो 1 2 3 4 5, 3 पे कौन से दो ग्रुप हो गए, ये ग्रुप हो गया ये ग्रुप हो गया, तो इसकी आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी। देखो 3 पे क्या लगा है, 2 एथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 3.3 डाई एथाइल, 3.3 डाई एथाइल, कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन यूज करते हैं, तो 3.3 डाइएथाइल पेंटेन। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, CCl3 CCl3 यहाँ पे CCl3। देखो क्या क्या बात बताई मैंने, लॉन्गेस्ट चैन और ग्रुप, पहली प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चैन, 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर चले जाओ 3 कार्बन से ज्यादा नहीं मिल रहा। तो मैंने 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, अब ये ग्रुप हो गया, ये पूरा ग्रुप हो गया। अब देखो डरना नहीं है, देखना है बस, इसकी आईयूपीएसी मैं कह रहा हूँ आपसे करने के। तो देखो 1 से कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 3, 2 से कितने जुड़ा है, 1, 3 से कितना जुड़ा है, 3, तो लिख लो ऐसे 1.1.1, 1 से 3 क्लोरीन, 2 से कितने, 1, 2, 3 नंबर से कितने जुड़े हैं, 3, तो 1 3 3। अब देखो 3 यहां से जुड़े हैं, 3 यहां से, 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा यूज करते हैं, तो 1 1 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह से क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन 7 जगह जुड़ा है, तो उसको क्या यूज करेंगे, वर्ड हेप्टा क्लोरो। अब देखो सेकेंड पोजिशन पे ये ग्रुप रह गया है, तो कॉमा लगाना है, लिखना है 2, इसको ब्रैकेट में लगाना है, 1 कार्बन है और 3 क्लोरीन है, तो क्या 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन के लिए ट्राई क्लोरो, 1 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने, मिथाइल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मिथाइल, ब्रैकेट 1। अब टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। अब देखो समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब किसका खेल है, बच्चों का खेल है, और हमको जल्दी जल्दी खेलना है ताकि हम जल्दी से अपने आईयूपीएसी और एल्कीन पे आ जाएं। अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको, मैंने बहुत ही छोटा सा चीज बताया है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। तो अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, आईयूपीएसी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें सीख लो। सबसे पहली बात जो मैंने हर बार बताई है वो क्या है कि लॉन्गेस्ट चैन देखनी है। दूसरी बात मैंने क्या बताया, जब लॉन्गेस्ट चैन के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि जिधर से ग्रुप पास पड़ेगा उधर से हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब जब एल्कीन और एल्काइन की बात आती है, तो हम यहाँ पे तुम्हारा, जैसे अभी तक हमने स्टार्ट किया था कि हमने हेलोजन को प्रायोरिटी दे रहे थे, कि जिधर से हेलोजन और मिथाइल एथाइल के कंपैरिजन में जिधर से हेलोजन पास पड़ रहा था उस उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं तुमको CH2 CH Cl, ठीक। तो देखो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हम उधर से नंबरिंग कर रहे थे जिधर से हेलोजन पास पड़ रहा था, लेकिन यहाँ एल्काइन एल्कीन के केस में, एल्कीन और एल्काइन के केस में ऐसा नहीं होता। एल्कीन का ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, तो इस डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी हेलोजन से ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, हेलोजन से ज्यादा होती है, तो नंबरिंग हमेशा जिधर डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से होगी। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए है, याद रखना कि जब भी तुम्हारा डबल बॉन्ड हेलोजन से, अगर हेलोजन पहले पढ़ रहा है और डबल बॉन्ड भी सेम उसी पोजीशन पे पढ़ रहा है, तो मुझे हेलोजन को नहीं प्रायोरिटी देनी, जैसा तक अभी कर रहे थे हम वैसा अब नहीं करना है। डबल बॉन्ड के केस में चीज उल्टी हो जाती है, डबल बॉन्ड जब भी एल्कीन और एल्काइन का केस आता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नॉर्मल हेलोजन से ज्यादा होती है। तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी करनी, तो इसको 1 दो, इसको 2 दो, 2, तो देखो 2 कार्बन जुड़े, तो देखो 2 से क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो लिख दो 2 क्लोरो,
क्लोरो, टोटल कितने कार्बन की चेन? दो। दो के लिए मैंने क्या बताया, ईथ यूज करते हैं। ईथ, अब देखो वन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो ईथ लिखो और ऐसे लिखो, वन लिखो, डबल बॉन्ड का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो कि आप लास्ट में एंडिंग में लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स क्या होता है, इन होता है। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता है, आइन होता है। तो जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आइन हो जाएगा। अब देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको ये भी लिखा जाता है, टू क्लोरो इथीन। अब आप सोचोगे सर आपने तो वन लिखा ही नहीं, तो वन हमें हमेशा अंडरस्टूड मान के चलना है कि वन पे ही डबल बॉन्ड लगा होगा तब ये इथीन लिखा है। देखो अब इसी में अगर मैं कहूं आपसे, इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से, अगर ये क्वेश्चन हुआ CH2Br, तो अब कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी? देखना सबसे पहले डबल बॉन्ड से, जैसा मैंने बताया वन टू थ्री, कुछ नहीं बच्चों का खेल। थ्री से क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है। टोटल कितने कार्बन की चेन? तीन कार्बन की चेन, तो प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। अब आप सोचोगे सर वन पे डबल बॉन्ड था तो वन पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि वन पहले से ही अंडरस्टूड है। अब देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो अब हम सोचेंगे सर कि नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबरिंग अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो वन, टू से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो टू से डबल बॉन्ड। इधर से करें तो वन, टू से इधर से भी, अब चाहे जिधर से आप नंबरिंग कर लो क्योंकि दोनों सेम पड़ जा रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा, वन टू थ्री फोर। चार कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट वर्ड यूज करते हैं। ब्यूट लिखना है, डैश लगाना है। सेकेंड पे अगर नंबरिंग इधर से हुई है तो वन टू, टू से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो ब्यूट टू। और एल्कीन का प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, इन, तो ब्यूट टू इन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। इसी तरीके से देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब देखो अब दो तरीके हैं, या तो नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट हो सकती है, इधर से भी। अगर नंबरिंग इधर से मैं करूं वन टू थ्री फोर फाइव, तो देखो थ्री पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो अगर इसकी IUPAC करूंगा तो थ्री से डबल बॉन्ड जुड़ेगा। अगर मैं नंबरिंग यहां से कर दूं तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो देखो टू पे ही डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा देनी है, तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखो इधर से करने पे डबल बॉन्ड टू पे आ जा रहा था, इधर से करने पे थ्री पे आ जा रहा था, तो हम किस, इधर से नंबरिंग करेंगे ना कि इधर से। तो इसको क्या कर दो, इरेज। क्या कर दो, इरेज। देखो तो अब इसकी IUPAC नेम लिखनी है, तो क्या है, पांच कार्बन की चेन है, तो क्या लिख लो, पेंट, डैश लगाओ। टू से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड टू। बच्चों का खेल है, किसका खेल है, बच्चों का खेल है। देखो अब देखना, सीखते रहना है बस। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH। अब देखो अब कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं नंबरिंग यहां से करूं वन टू थ्री फोर फाइव, लॉन्गेस्ट चेन तो इधर से करो, इधर से करो, पांच ही कार्बन की मिलेगी। अगर मैं इधर से करता हूँ तो वन टू थ्री पे डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से करो तो वन वन पे मुझे एक हेलोजन भी मिल जा रहा है और टू पे डबल बॉन्ड भी। डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी वैसे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे, और इधर से हमें एक और बेनिफिट मिल जा रहा है, वन पे ही मुझे हेलोजन ग्रुप पास पड़ जा रहा है। तो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे नंबरिंग करने पे क्या सीन है इसका, वन वन से क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, तो वन क्लोरो कॉमा लगाना है। कितनी कार्बन चेन, पांच, तो क्या लिखना है, पेंट यूज करना है, पेंट। सेकेंड को पोजीशन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड, तो पेंट टू इन। क्या यूज करना है, पेंट टू इन। फिर से देखना, इधर से करता है नंबरिंग तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पे क्लोरो मिलता, थ्री पे क्या मिलता, इन मिलता। यहां से करूं तो वन टू, टू पे ही मुझे इन मिल जा रहा था, मुझे डबल बॉन्ड को ही देखना है, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर से स्टार्ट करने पे वन टू थ्री पे ही, टू पे ही मिल जा रहा था, तो इसका नाम ये हो जाएगा। अब सीखो CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद से क्वेश्चंस बना लोगे, खुद से सोचोगे, तो आपको बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। अब देखो मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, दोनों से जगह से वन टू पे ही डबल बॉन्ड मिलेगा। इधर से भी करके देख लो, वन टू पे ही डबल बॉन्ड,
जैसा मैंने बताया था, अब जब सेम पोजीशन पे मिल जाए तो मुझे देखना ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ये क्या लगे, इधर ब्रोमो लगा इधर क्लोरो, तो इसके बाद मुझे देखना कि ब्रोमो और क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। तो मुझे पता है ब्रोमो जो है वो पहले पड़ता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, इधर से हो जाएगी 1 2 3 4। देखो तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन, चार, चार के लिए क्या यूज, ब्यूट। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा था, इन लगा था, तो मैंने ब्यूट 2 इन लिख दिया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। अब यहाँ कैसे नंबरिंग करें, देखो इधर से करें तो 1 2 3 4, 4 पे 3 पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा था, अगर मैं इधर से कर दूं 1 2 3 4, इधर से करने पे 1 ही पोजीशन पे मुझे मिल जा रहा था, ये ग्रुप भी पास पर जा रहा था। लेकिन मुझे तो वैसे भी मुझे पता है प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा होती, तो डबल बॉन्ड जिधर पास पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखो अब इसकी आईयूपीएसी कैसे लिखे, कुछ नहीं डरना नहीं, जैसे सिखाया बस वैसे करना। 1 से क्या जुड़ा है, ब्रोमो लगा तो 1 ब्रोमो, कॉमा 4 से क्या जुड़ा है, क्लोरो 4 क्लोरो, कितने कार्बन की चैन है गिन लो जल्दी से, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब 1 पे इन लगा तो चाहे तो 1 इन लिखो चाहे तो ना लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वो तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। जल्दी जल्दी हमको प्रैक्टिस करनी है ताकि एल्कीन और एल्काइन भी जैसे अभी तक हमने सीखा वैसे ही इसको भी समझ में आ जाए इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा सा टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखो ये क्वेश्चन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा ये क्वेश्चन समझना। अब देखो सबसे पहले बात डबल बॉन्ड देखेंगे हम कि डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है। अगर मैं सोचूं, अगर देखो लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो इधर से नंबरिंग करूंगा तो इधर से पड़ जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले प्रायोरिटी। उसके बाद देखना है उधर से कि जिधर से डबल बॉन्ड पहले पास पड़े, तो इधर से मुझे डबल बॉन्ड पहले पड़ जा रहा है, तो 1 2 नंबरिंग इधर से 3 4 5। अब देखो दो बात आती है, मैं 6 इसको दे सकता हूँ 7 इसको दे सकता हूँ, अगर मैं इधर गया तो 6 7 8 तीन कार्बन बढ़ जाएंगे, मतलब कि टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 8 कार्बन हो जाएंगे, इधर गया तो केवल 7 कार्बन रह जाएंगे, तो प्रियोरिटी लॉन्गेस्ट चैन 5 6 7। एक छोटा सा रूल बताया है, ये पूरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो क्या करना है, अब देखो यहां से 5 से ये ग्रुप लगा है, तो इसको क्या मैंने बताया था, जब ऐसा नाम ना पता हो इस पूरे ग्रुप का तो इसको क्या देते हैं, 1 डैश देते हैं, इसको क्या देते हैं, 2 डैश देते हैं। अब देखो लिखना है 5 ब्रैकेट लगाना है, 2 डैश से क्या जुड़ा है, ब्रोमो 2 डैश ब्रोमो, कॉमा लगाना है, 1 डैश से क्या जुड़ा है, क्लोरो 1 डैश क्लोरो, और क्या है, 2 कार्बन की चैन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथाइल यूज करते हैं, एथाइल ब्रैकेट को बंद कर देना है, कितने कार्बन की चैन है, 8 कार्बन की चैन, तो लो लिख दो ऑक्ट, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 ऑक्ट 2 इन। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां से सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहली बात लॉन्गेस्ट चैन देखनी कि किधर से लॉन्गेस्ट चैन पड़। अब उसके बाद मुझे देखना जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखना समझना छोटी सी बात को, अगर मैं कहूं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ठीक है, तो अब देखो इसकी आईयूपीएसी नेम करनी है मुझे। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड मिल रहा था, यहाँ से करके देखो 1 2 3 4। अब देखो चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात तो बराबर है, इधर से कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इधर से भी तो कर सकते, तो लो इधर से भी कर लो 1 2 3 4 5
6, 7, 8। अब यहां से भी नंबरिंग करने में 4 पे क्या मिल रहा था, डबल बॉन्ड मिल रहा था। इधर से भी नंबरिंग करने 1, 2, 3, 4, 4 से भी डबल, चाहे जिधर से भी आप नंबरिंग कर लो। तो मैं ऊपर से करके देख रहा हूँ, इसको आप रेस कर दो नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने यहाँ भी क्या लिख दिया। तो ये इरेज कर देते हैं। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 कार्बन की चेन, तो क्या यूज कर लो, ऑप्ट डैश लगाओ। कितने पे डबल बॉन्ड लगा है, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो 4 इन क्या नाम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ऑप्ट 4 इन। ठीक, अब देखना बस जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब मैं लाता हूं एल्कीन। देखो ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। इसका सफिक्स क्या होता है, सॉरी प्रीफिक्स क्या होता है, आइन होता है। देखना कुछ नहीं है यहाँ भी, बहुत सिंपल सा रूल है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी नॉर्मल ग्रुप से ज्यादा होती है, तो नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3। कुछ नहीं, 1 से क्या जुड़ा है, आइन जुड़ा है, तो 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। और 1 से क्या जुड़ा है, आइन जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स क्या है, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपन आइन। अगर इसी तरीके से मैं कहूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटाइन, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, 1 अंडरस्टूड होता है, 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, 1 अंडरस्टूड होता है। अब देखना मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को साथ में लाता हूं, किसको लाता हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो अब आप ये सोचोगे सर इधर से भी डबल बॉन्ड, पर अगर इधर से करूं तो 1, 2, 3, 4, 1 पे ही डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, इधर से भी करूं तो। अब आपने तो ये नहीं बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में नंबर प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी, तो याद रख लो, कान खोल के सुन लो, कि डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो हमेशा नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी, लिखो कितने कार्बन की चेन है, पेंट, 5 कार्बन की पेंट, यहां से 1 से इन जुड़ा है, पेंट 1 इन लिख लो, और 4 से क्या जुड़ा है, आइन, 4 आइन, 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, इसकी IUPAC नेम हो गई। अगर यहीं पे मैं कहूँ CH2 CH CH2 CH2 CH3CH। ठीक, अब देखो इसकी नंबरिंग करना हो तो 1 से यहां से भी स्टार्ट करते हैं, इधर से भी, तो इधर डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, तो मुझे पता है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका IUPAC नेम क्या, 2 क्लोरो, जैसा कि हम सिंपल जानते हैं बच्चों के खेल को, तो ये 2 क्लोरो हो जाएगा। अब देखो कितने कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, हेक्स। उसके बाद 1 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स लगा, तो 1 इन कॉमा लगाना है, 5 से क्या जुड़ा है, आइन जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सही, थोड़ा सा बस यहाँ पे मैं इसको करूं, इसको इरेज कर दो, यहाँ पे लगा दो ब्रोमो और यहाँ पे लगा दो क्लोरो, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मैंने बताया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बच्चों का खेल है, मैं बस यहाँ मिटाता जाऊंगा, आपको करना है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा थी तो नंबरिंग इधर से हो गई, तो इसका IUPAC नेम 2 ब्रोमो, और क्या है, 6 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, 6 क्लोरो जुड़ा है, कितने कार्बन की चेन, 6, तो हेक्स, डबल बॉन्ड 1 पे जुड़ा है तो हेक्स 1 इन लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा है, 5, तो 5 आइन, इसकी IUPAC नेम ये हो गए। अब देखना है, अब कुछ नहीं, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस की और हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए, और ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है पूरा पूरा क्लियर। अब बस जल्दी जल्दी क्या करना है, प्रैक्टिस।
जल्दी जल्दी अब हम करते हैं प्रैक्टिस। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको पहले लिख देता हूँ, आप खुद से ट्राई करते रहिए, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ। CH3 CH 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 CH
सी सी एल डबल बॉन्ड सी सी एल सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एल। ठीक, अब देखो स्टार्ट करते हैं पहले ये वाले क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन ये एक ये ये एक, तो या ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो डबल बॉन्ड सबसे पहले मुझे देखना, तो वन टू पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, तो नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव, फोर पे क्लोरो है तो लिखना है चुपचाप फोर क्लोरो फोर क्लोरो। वन टू टू पे क्या लगा है डबल बॉन्ड, टोटल कितने कार्बन चैन पांच, तो पांच के लिए क्या यूज करते हैं पेंट। टू पे क्या लगा है एन लगा है, तो पेंट टू एन। ठीक, पेंट टू एन। अब इसकी बात करें तो देखो वन टू वन टू दोनों पे डबल बॉन्ड सेम पड़ जा रहा था, अब क्या करें देखो क्लोरो इधर भी लगा तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो दोनों क्या है बात बराबर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू कॉमा थ्री, टू पे क्लोरो लगा है थ्री पे भी क्लोरो, टू कॉमा थ्री डाई क्लोरो, कितने कार्बन की चैन चार, ब्यूट सेकेंड कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू इन। अब इसी तरीके से इस पे देखते हैं, वन टू थ्री पे डबल बॉन्ड मिल रहा था, इधर वन टू थ्री पे डबल बॉन्ड, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब देखो जब ऐसा कभी केस पड़ जाए कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो हो वो सेम पड़ जाए, इधर से भी थ्री पोजीशन पे डबल बॉन्ड इधर से भी, तो अब देखो यहां से जो ग्रुप दिखा है अब वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि नंबरिंग किधर से होगी, इधर क्लोरो ग्रुप जुड़ा इधर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा, जब ऐसा आ जाता है तो हम किस पे जाते हैं अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पहले आप सोचो। तो देखो अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं तो वन टू थ्री पे क्या लगा है ब्रोमो लगा है, और तुम्हारा फोर इधर से मैं नंबरिंग करूं वन टू थ्री पे क्लोरो लगा, तो ब्रोमो और क्लोरो में कौन पहले आता है, मुझे पता है ब्रोमो का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी जो होता है वो क्लोरो से पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा वन टू थ्री थ्री ब्रोमो थ्री ब्रोमो फोर, इसका नंबरिंग यहां से होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर पे क्या लगा है क्लोरो लगा है, तो फोर क्लोरो कॉमा लगाना है, कितने कार्बन चैन छह, तो हेक्स थर्ड पोजीशन से क्या जुड़ा है डबल बॉन्ड हेक्स थ्री ई ई, समझ में है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं, देखो डबल बॉन्ड वन टू पे पोजीशन पे लगा है, तो नंबरिंग यहीं से होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखो बच्चों का खेल है, क्या सीखना है टू पे क्या लगा है क्लोरो लगा है, थ्री पे क्या लगा है क्लोरो लगा है, सिक्स पे भी क्या लगा है क्लोरो लगा है, तो ऐसे लिख लो टू कॉमा थ्री कॉमा सिक्स ट्राई क्लोरो, आप कॉमा लगाना है, कितने कार्बन की चेन छह कार्बन की चेन, तो लिख लो हेक्स, डबल बॉन्ड पहले लिखना होता है हमें याद रखना क्योंकि उसकी प्रायोरिटी पहले होती ज्यादा होती है डबल ट्रिपल बॉन्ड से, तो हेक्स के बाद सेकेंड पोजीशन पे इन ग्रुप लगा है, इन मतलब कि इन डबल बॉन्ड लगा है सेकेंड, सेकेंड जो कार्बन वो डबल बॉन्ड से अटैच है वो कौन से पोजीशन पे सेकेंड, तो हेक्स टू इन। अब आइन का कौन सा पोजीशन है एज्ड है, तो वन टू थ्री फोर फाइव से अटैच है, तो फाइव आइन, क्या लिखना है फाइव आइन लिखना है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज बता दो। अब देखना अब ये हो गया, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और यहीं पे हमारा एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएसी खत्म हो जाएगी, और प्रैक्टिस करनी है आपको तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डीपीपी दे दूंगा, और 10 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी क्या करने हैं सॉल्व करने हैं, और उसका उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ सी एस थ्री सी CH3
मैं आपसे कह रहा हूं आप इसकी मुझे आईयूपीएसी नेम बताइए। तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहली बात डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है और समझना, ये नहीं कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये क्या लिख दिया, मुझे तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं, ये मुझसे होगा ही नहीं, डरना नहीं है। इसको देखो ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये सिमिलर टू किसके स्ट्रक्चर के है, CH3, ये CH3 है, C जुड़ा है, C से डबल बॉन्ड जुड़ा है ये कार्बन, और इस कार्बन से दो CH3 जुड़ा तो CH3 लिख दो, इस कार्बन से कितना एक CH3 ये जुड़ा था तो ये लिख दो CH3। अब इसकी आईयूपीएसी हम जानते हैं, तो यहाँ भी कोई डरने की जरूरत नहीं थी। तो नंबरिंग चाहे जिधर से कर लो, 1 2 पे ही डबल बॉन्ड पड़ेगा, तो 1 2 3 4। तो देखो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 पे भी क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। तो इसकी आईयूपीएसी नेम 2.3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन चैन, 4। तो ब्यूट सेकंड पोजीशन से क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है, तो ब्यूट 2-ईन क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-ईन। अब देखता हूं मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, और अगर इसमें प्रैक्टिस कराने लायक होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। तो एक क्वेश्चंस और मैं दे देता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे बता देना, कहीं भी ना समझ में आया हो कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और क्वेश्चन से हम आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये पहले आपको करना है। देखो 1 2 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 4 पे क्या लगा है, ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो, तो क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन आएगा, हमें पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, तो क्या लिखना है, 4.5 डाई ब्रोमो। और क्या लगा है, 1 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो 1 क्लोरो। अब देखो कितने कार्बन की चेन, 7, 7 कार्बन के लिए हेफ्ट, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन से जुड़ा, सेकंड, तो हेफ्ट 2-ईन, ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन से, 6, तो 6-आइन, क्या 6-आइन। देखो तो यही एल्कीन और एल्कीन के आईयूपीएसी में कोई ज्यादा बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है देखना, क्योंकि मुझे यही खेल होता है, बच्चे भूल जाते हैं, सोचते हैं ट्रिपल बॉन्ड की जो होती है प्रायोरिटी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, तो हमेशा वो कभी इसको दे देते हैं। तो मुझे याद रखने की वाली बात इसमें यही है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होगी वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी, और बाकी उसके बाद हम वही फॉलो करते आएंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, अगर ग्रुप सेम पड़ जाएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलता हूँ आपके साथ। एक जो भी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीरीज बनाई गई है, जिसका ट्रेंड मैं आप अगली क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप लग जाएंगे तो हम उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, तो उस फैक्टर को डिफाइन करेगा जो कल मैं एक सीरीज लगाऊंगा बनाऊंगा, तो वो फैक्टर बताएगा आपको कि आईयूपीएसी कैसे किस किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।